सभी ओम शांति ओम सतगुरुवार का दिन है हुँ? आंटिया बेटी है अच्छा अब अरे वाह बड़ी खुशी की बात सीता कहाँ है आ, सामने आओ भाई सीता को साथ बैठाओ कोने में नहीं बैठो आओ आओ, जगह दो सीता को सीता को जगह दो नजदीक या दूसरी लाइन में ओम शांति गुड मॉर्निंग सतगुरुवार की अच्छा मैं क्या सुना आज जिन्होंने चंद्रमा दादी को देखा था हाथ उठाओ जिन्होंने चंद्रम दादी को देखा था तो उठाओ अच्छा आज आठ साल हो गया चंद्रमा दादी ने ज्ञान सरोवर में दो साल अच्छी तपस्या करके पावरफुल वायु बना लिया और मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ पदमा पद्म भाग्यशाली हूँ पता है चंद्रमा दादी मेरी ब्राह्मणी थी कुमार का दादी चंद्रमणि दादी शांतामणि दादी पर चंद्रमणि दादी ने चूना बाबा को कहा मामा को का ये मुझे दे दो ग्रुप में तो साथियों करके रही फिर शेवा में भी पंजाब में साथियों करके रही और विदेश का भी लंदन में बहुत तपस्या का अपना बहुत अच्छा मेरे ख्याल मोरिशस में भी गई आ, केन्या में भी अफ्रीका अमेरिका शायद नहीं आई थी आई थी अमेरिका नहीं आई थी अफ्रीका तो एशिया आई थी अमेरिका अच्छा देखो ना थोड़े समय में अच्छी अपने त्याग और तपस्या तपस्या से सेवा दादी ने तपस्या से सेवा किया है इसलिए नंबर वन इस बात में है सब में नंबर वन सारे ब्राह्मण कुल में नंबर वन सबकी दिलिया मानेगी दिल से मानेंगी आज से लेकर के सारे लौकिक परिवार को समर्पण कराने में बाप की ये चौथा बेट, नंबर बेटी थी चंद्रमा दादी छ या सात लड़क छ मैं जानती हूं ओ बचपन से जानती हूँ दादी के परिवार को इसमें चौथे नंबर की कमाल सारे परिवार को समर्पण कराने में मां बाप को पूरा समर्पण कराने में हमारी दादी चंद्रमणि ऐसी कोई बाबा कह देता इसका नंबर वन है कोई ऐसी आता नहीं आज चार पीरिया सुखी है चार पीरिया इसके बाप की चार पीरिया बहुत सुखी है कम से कम सौ मेंबर्स होंगे फैमिली मेंबर सब सुखी है निश्चय का बल शिव शक्ति किसके भी नामर पर में नहीं आई न कोई इसके नाम पर में फंसा ऐसी काली मीठी भी थी बहुत बहुत मीठी भी थी पर काली भी थी काली माना कोई भी ऐसा कभी दादी को वेर सोचते हुए देखा भी नहीं कभी कोई सोचा सोचते हैं। देखा भी नहीं अलमस्त सारे पंजाब आज जो पावरफुल है ना जो कितने पंजाब में बाहर की भी लड़ाइयाँ कितनी चली होंगी उसको भी शांत कराने वाली शांति फैलाने वाली हमारी दादी तो हम कहती स्पेशल मेरी दादी है? तो ये एक बड़ा वैसे भक्ति मार्ग की तरह से नहीं पर जहां से बहुत प्रेरणा मिली है वो कभी याद भूलती नहीं है प्रेरणा यही मिली है समर्पण होना सफल करना पूरा त्याग की मूर्ति तभी जब समर्पण ऐसा हो जो सफलता मूर्त हो तो सफलता मूर्त सदा देखा और कभी भी अपने लिए कभ मान की इच्छा नहीं रखी नेवर भाई दादी है ना दादीपन का भी भान नहीं था अपना फर्जदाई समझ करके सब में शक्ति भरी होंगी पर दादीपन का भान कभी देखा ही नहीं और मेरे को वैसे तो मो ही था पर उसके त्याग को देख जो दादी ने शरीर छोड़ा तो मैं यहीं थी दो तीन दिन पहले यहीं ज्ञान सरोवर में मेरे साथ थी मुझे ये थोड़ा बार बार भाना ये दादी ने ऐसे सरी छोड़ दिया अपना यानी सहज सहज एक सेकंड में जैसे बाबा कहता था लेकिन इंद्रपस्थ में एक छोटी सी रूम भोजन भी वहीं खाती सोती भी वहीं सबसे मिलती भी वहीं कमाल थी मेरी दादी की इतनी चो, इंद्रप की छोटी रूम जो आजकल मेरे पास मैं उसमें रहती हूँ पर छोटी सी रूम में बाहर भी आकर के बैठ करके नहीं बैठ कर भोजन खाया होगा अंदर ही अंदर बैठ के कोई मिलेगा ना उस वहीं सोना भी वहीं है भाई दादी है कुछ उसको होना चाहिए असल इच्छा मात्रम अविद्या देखना हो ना कभी यज्ञ में कभी इसने इच्छा कभी देखा ही नहीं है ना है। और कभी तो इसका समर्पण कराना ऐसा भी और फिर कई ब्राह्मणों को भी समर्पण कराने में वार्स बनाने में दादी नंबर बन गई है ब्राह्मणों को भी धक्का से हमको टाइम लगा है थोड़ा पूछते रहते हैं, ये करते रहते ऐसे ऐसे हाँ हाँ करते रहते हैं या समर्पण होने का शो करते हैं भाई समर्पण समारोह बना लो कुछ नहीं है। तो ये वर्णन शब्दों में नहीं होता है परसों समर्पण पर ये सम्मान समारोह था ना तो किस किसने बना भाई ऐसी कोई अच्छी बात होती है जिसकी फीलिंग इतनी होती है जिसका वर्णन करने शब्द नहीं होते हैं, शब्दों में नहीं बताया जा सकता प्रैक्टिकली प्रूफ देकर के प्रमाण देकर के परिवर्तन आ सकता किसको अपन में परिवर्तन लाना हो ना अपन में लाना हो तो प्रूफ हमारे पास बहुत है उसमें भी खास दादी हमारी प्रकाश दादी कैसी है कितनी एकदम जो आज बाबा ने ऐसी गहरी बात कान में कह दी है हम बच्चों को किसके लिए मन में घृणा रखना पाप है किसका तिरस्कार करना नफरत रखना पाप है उसका दंड मिलेगा आज बोला दंड मिलेगा मेरा तो मुली पड़ेंगी पता नहीं कैसे या आपको सुनाएंगी कैसे पढ़ते पर, ही आंख खुल गई कान खुल गए तो कल बाबा ने कहा ना दान किसको कहा जाता है जो बाप को देता है बाप ही उनको देता है लेन देन है भक्ति में है भावना का भारा जिस कामना से करता है भगवान पूरी करता है पर वो एक जन्म के लिए होता है और दूसरे जन्म में फिर अच्छा कर्म करना पड़े पूर्वानुसार मिला दूसरे जन्म करना पड़ेगा यहाँ तो इक्कीस जन्म की, की गारंटी है डायरेक्ट परमात्मा से लेन देन में इक्कीस जन्म तो क्या इक्कीस पीरी की गारंटी है बीच में दुख का नाम निशान नहीं होगा पर बाकी भी जैसे चक्कर की न सिर्फ ज्ञान की चक्कर ज्ञान है बुद्धि में पर वो स्मृति इससे हम थे है, होंगे ये जो नशा चरा हुआ है तो लगता है परम पूज्य परमात्मा परम पूज्य है उसकी पूजा नहीं की जा सकती है पर दिल में उसके लिए क्या करे क्या कहे उसको कैसे पूजा करे शब्द नहीं वो हमको पूज्य बनाता है पूजारी से विकारी पुजारी से निर्विकारी पूज्य बनाता है इसलिए ऐसे परम पूज्य की कैसे पूजा करें? हमारा प्रभि आत्मा को इतना लायक बना करके शरीर पूजा करने के लिए ऐसे बनाता देता है जो ब्राह्मण की पूजा नहीं हो सकती ब्राह्मण सिर्फ पवित्रता के बल से सत्व प्रधान आत्मा बनती तो सत्युग में ऐसे लायक बनकर के राज्य करते द्वापर में हमारे हम भले उस घड़ी सत्युग से उतर के नीचे आ गए है पूजा हमारे मूर्ति की करते है जिसी आधार से भक्ति चलती है पर प्यारा बाबा मीठा बाबा इतना ही कह सकते प्यारा बाबा मीठा बाबा आपकी सेवा ऐसी है गुप्त सच्ची जो हमारे अंदर ही अंदर चेंज करते हो और चेंज जो करते का कराने, करने वाला है ना इतना होशियार है कैसी भी आत्मा को अंदर अपना बना करके तो कहता है ये बच्चे का निश्चय है ना तभी विजय पहन ली बच्चे का निश्चय था ऐसे नहीं मैंने विजय पहनाई पर बच्चे का निश्चय था अंदर का बुद्धि को निश्चय वाला बनाया प्रीत बुद्धि पक्की रखी विजय हो गई और विजय कैसी जो ये जो आज वक्त नफरत रखना भी ये रावण की अनुसार है कैसा भी कोई है तो अंदर से आता है पापा कितना न्यारा सब के लिए अच्छा सबको हाँ सब अच्छे सब अच्छे जो कल मैंने कहा दादी ये बहुत अच्छे कहती कौन अच्छा नहीं है मेरे को ये आँख दी है मैं कहती ये अच्छा है कौन अच्छा नहीं है जी सब अच्छे हैं ऐसी सबके लिए दया स्नेह की दृष्टि ईश्वर से इतना वर्ष में ले लिए लेना और सर्व को सुख देना मास्टर दुख हरता और शांति दाता बन जाना किसको भी कितना दुख दिया वह हो रिटर्न में उसको जरा भी तुम्हें दिया दुख ये याद न दिलाना दया भाव से स्नेह देना कमाल है बाबा के बड़ी दिल की सच्ची दिल से हम वर्षा ले लें बाबा की बड़ी दिल हमारी सच्ची दिल ये है वर्षा जो बाप के गुना है ना प्यार में बाबा शक्ति देता है वर्षे का अधिकारी बनाने के लिए तभी माला कितनी दादी चंद्रम के गुणों की, की बताऊं आपको पर त्याग में हंड्रेड परसेंट और तपस्या तो ऐसी कभी उसको झुटका खाता नहीं देखा कभी अमृत वेला मिस नहीं देखा ज्ञान सरोवर वाले कहते दादी दादी काटे से पैदल जाती थी राजऋषि भवन तक अमृत वेले योग कराने के लिए कारोबार नहीं थी ज्ञान सरोवर से राज ऋषि भवन में यहाँ के रहने वालों को है न बैठे न वो कहाँ है सब हाजुर सामने बैठे ना कोने में क्यों बैठे हो तपस्या दादी जो अमृत वेल वहां कराने जाती थी ऐसा कौन है अभी आजकल न खुद करते हैं न ऐसी सेवा करते हैं चलना ऐसा दादी का कभी ऐसे से नहीं चलना कभी शरीर को कुछ हुआ होगा पर दिखाया कभी नहीं ऐसा शरीरी भवक का जो बाबा का मंत्र है ना पक्का किया हुआ था देह अभमान कांस नहीं कभी देखा ही नहीं और रियली मैं कहती हूं गुस्सा भी कभी किया नहीं पर काली रूप जरूर होती और मुस्कुरा के बस बात पूरी हो गई मुस्कुराना तो उन जैसा कोई मुस्कुराना आजकल तो कोई मुस्कुराता नहीं उन जैसा नहीं कोई मुस्कुराता हाँ। रियल जैसे मस्ती में से मुस्कुराना कुछ ना ठीक है ओके हाँ। तो ऐसी हमारी बाबा के साथ साथ प्रैक्टिकली जैसे दीदी वैसे हमारी चंद्रमा दादी ऐसे क्या बताऊं फिर गुरुवार का दिन है मूली सुनो अभी भोग भी लगेगा और फुल हमारी सब हाजुर है इसमें बताओ आज कौन जाने वाले हैं आज अच्छा तो मैंने कहा है तो यहाँ से जल पी के फिर जाकर के दादी काट में चलो फिर मैं छुट्टी दे देंगी ओके अच्छा मीठे बच्चे तुम्हें नशा चाहिए जितना परिवर्तन करना हो ना अभी मधुबन की ऐसी वरी ऐसी है जो हो जाएगा कर लेंगे तो हो जाएगा करेंगे तो हो जाएगा संकल्प करेंगे ना तो हो जाएगा तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग बनाता जिसके हम मालिक बनते हैं पर्सन बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्ति होती है किसी की आंख बंद नहीं होनी चाहिए आज के दिन की बातें सुना रही हूं मैं बार बार ये ध्यान खींचवाती हूं अल्लट रहने का मुझे कहना नहीं चाहिए भाई पर अल्लट रहने का एक अंदर से अपन पुरुषा से ऐसे सदा के लिए वरदा मिल जाएगा सारी रात नींद न भी की हो न पर मुरली के समय झूले में झूलेंगे मूली से क्या फायदे है भाई अलका निकाल देना आज जो जाने वाले को मिस ना हो मूली क्या क्या का काम करती है जगह खाली पर ये कला अच्छा बाप के संग से मुक्ति और जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं बाप का संगतार देता है बाबा हमें अपना बनाकर कैसे तार देता है देखो बाबा हमें अपना बनाकर आज तक और त्रिकालदर्शी बना देता है आज तक पहले आज तक त्रिकालदर्शी हम रचता और रचना के आदि मध्यन को जान जाते हैं गीत धीरे धर मनवा तेरे सुख के दिन आएंगे धीरे धर ओम शादी ये कौन कहता है बच्चों को बाप कहते हैं सब बच्चों को कहना होता सब बच्चों को कहना होता है क्योंकि सब दुखी है देखो बाबा एक ही टाइम हमारे सामने मुल्य चला रहा है पर तो सारे विश्व को सामने रख रहा है सब दुखी है अधीर है बाप को याद करते हैं कि अगर दुख से लिब्रेट करो सुख का रास्ता बताओ अब मनुष्यों को उसमें भी खास भारतवासियों को मनुष्यों को उसमें भी खास भारतवासियों को यह याद नहीं है कि हम भारतवासी बहुत सुखी थे भारत प्राचीन से प्राचीन प्राचीन से प्राचीन वंडरफुल लैंड था वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना ये माया के राज्य में सात वंडर्स गाए जाते हैं वह है स्थूल वंडर्स बाप समझाते हैं ये माया के वंडर्स है स्थूल वंडर्स जो है ना उसमें आगरा का ताजमहल भी है वंडर में हा? तो ये जो स्थूल है ना ये माया के वंडर्स है जिसमें दुख है राम बाप का वंडर है स्वर्ग वही है वंडर ऑफ द वर्ल्ड भारत स्वर्ग था हीरे जैसा था वहां देवी देवताओं का राज्य था हम सबको पता है बच्चे जानते हैं बल भारतवासी भूल गए हैं देवताओं के आगे माथा टेकते हैं पूजा करते हैं पर जिनकी पूजा करते हैं उनके बायोग्राफी को जानना तो चाहिए ना यह बेहद का बाप बैठ समझाती है यहाँ तुम आए हो पालो के बाप के पास पालो के बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला यह कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकता उनको ब्रह्मा को भी कहते हैं हे कृष्ण की पुरानी तमो प्रधान आत्मा हे कृष्ण की पुरानी तमो प्रधान आत्मा तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो ये गीता का वर्ड बहुत एक्यूरेट है गीता में लिखा पड़ा है तो जैसे उस दिन बाबा को हमने कहा ना बाबा आप इसमें आए हम भी आपके पास आ गए हमारा हमको पता चल गया हमारा अंतिम जन्म है इसका अंतिम जन्म है तुम्हारा तो भी अंतिम जन्म है ये भान है, ऐसा आए कितना भाग्य है तुम कृष्ण थे तो प्रधान थे फिर चौरासी जब लेते तमोप्रधान बने हो भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पर्व है अभी तुम्हारा नाम रखा है ब्रह्मा शिव बाबा उसको कहते तुम्हारा नाम रखा है ब्रह्मा ब्रह्मा मुख ब्राह्मण फिर सो देवता बनते हैं फिर वह देवी देवता शूद्र बनते हैं अभी तुम ब्राह्मण बने हो अब बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते ब्राह्मणों को समझाते हैं अब ब्राह्मणों को समझ में आता है खित्री को नहीं आता है जिसकी बुद्धि खित्री हाँ युद्ध करती है ना उसको समझ में नहीं आता है वैश्य को तो बिल्कुल नहीं समझ में आता है वैश्य कौन है जिसको चिंता होती है जिसको कोई भी प्रकार चिंता होती है ना बुद्धि बैठता ही नहीं है ज्ञान चिंता ज्ञान को बैठने नहीं देती बुद्धि में समझा तो ब्राह्मणों को समझाता हूं यह है भगवानो वाच्य तो तुम हो गए स्टूडेंट तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए इतनी खुशी रहती नहीं है अटेंशन प्लीज इतनी खुशी रहती नहीं है धनवान भी धन के नशे में रहते हैं बाहर के जो धनवान है उनको धन का नशा है यहां भगवान के बच्चे हो तो भी इतनी खुशी नहीं है उस धनवान को भी खुशी है भगवान के बच्चे हो इतनी खुशी नहीं है अब तुमको बाप मंधन लायक बना रहे हैं एंटनी तुम एक अच्छा अनुभव करके ये खुशी कैसे हेल्दी बनाती है सबको बताना दि, दिखाना प्रैक्टिकली तो कहां जाने की जरूरत न पड़े पर प्रैक्टिकल बाबा आप तो कमाल करते हो कमाल करते हो बाबा आप तो साजन भी हो तो सर्जन भी हो तो डॉक्टर भी हो तो क्या हो बाबा आप तो जादूगर भी हो अब तुमको बाप मंदर लायक बना रहे है पर माया का संग भी कम नहीं है गाया हुआ है संग तारे को संग बोरे बाप का संग बाप का संग तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता है फिर रावण का संग तुमको दुर्गति में ले जाता है पांच विकारों का संग हो पांच विकारों का संग हो जाता है ना भक्ति में नाम कहते सत्संग पर सीढ़ी तो नीचे ही उतरते रहते हैं सीढ़ी से कोई धक्का खाएगा तो नीचे ही गिरेगा ना बेचारा सीढ़ी से जो धक्का खाएगा नीचे ही तो गिरेगा ना सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है कोई भी होंगे कोई भी होंगे भगवान का इशारा पर में करेंगे अब बाप भी कर बच्चों को परिचय देवे कौन बापी बच्चों को अपना परिचय देते हैं उनको अपना बनाए सृष्टि के आदि मध्यन का नाले देते हैं बाप कहते हैं मैं आकर तुमको आज तक बनाता हूं त्रिकारदर्शी भी बनाता हूँ आज तक बनाता हूँ आज तक मान जो बाप को जाने फिर क्या त्रिकारदर्शी बनाता हूँ ये ड्रामा है ये कोई साधु संत आदि नहीं जानते हैं वह होते हद के ड्रामा यह बेहद का ड्रामा इस बेहद के ड्रामा में इस बेहद के ड्रामा में हम सुख बहुत देखते हैं तो दुख भी बहुत देखते हैं इस ड्रामा में वंडरफुल बात सुनो इस ड्रामा में कृष्ण और क्राइस्ट क्रिश्चन का भी कैसा हिसाब किताब है कृष्ण का और क्रिश्चियंस का कैसा हिसाब किताब है उन्होंने भारत को लड़ाए करके राजे ले लिए आकर राज किया आपस में लड़ा करके राज लिया अभी तुम लड़ते नहीं हो वे आपस में लड़ते हैं राज ही तुमको मिल जाती है हम लड़ते नहीं है तो लड़ने का जरा भी पूरे एंड तो राज ही मिल जाती है ये ड्रामा में नूंद है ये बातें कोई भी जानते नहीं है ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर एक ही बाप है जो सर्व की सदगति करते हैं भारत में देवी देवताओं का राज्य था तो सदगति थी बाकी सब आत्माएं मुक्ति में थी भारत सोने का था तुम ही राज करते थे है। था ऐसा तुम ही राज करते थे सत्युग में सूर्यवंशी राज था अब तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो नरसेन नारायण बनने की यह कथा है यह भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो सच्ची गीता से भारत तो सच खंड पाउंड बनता है बापा का सच्ची गीता सुनाते हैं सहज राजो सिखलाते हैं तो वर्त पाउंड बन जाते हैं बाबा टोट के तुम तो समझ, बहुत अच्छा समझाता है परंतु तो बच्चे देह मान के कारण भूल जाते हैं अभी मैं हाथ नहीं उठवाती हूँ दादी अच्छा हाथ उठवा लेती है मैं नहीं एक अपन से पूछे याद रहता है बाबा टोट के यहाँ भूल जाते हैं अगर याद रहता है तो बस भूल जाते हैं तो कैसा मान के काम भूल जाते हैं दे अब मानी भने तो धारणा भी होवे ना देहमान मान के कारण धारणा अंदर होती नहीं है बाप समझाते हैं मैं थोड़ी कहता हूं मैं सर्वव्यापी हूं बाप समझा मैं थोड़ी कहता हूं मैं सर्वव्यापी हूं मुझे तो कहते ही हो दूसरी बात सुन लो टोटके टोटके अच्छे अच्छे बात सुनाता है तो माता पिता तो इसका अर्थ क्या क्या अर्थ है तुम कहते हो माता पिता इसका अर्थ क्या तुम्हारी कृपा से सुख गनेरा अभी तो दुख है ये ज्ञान किस समय का है ये भी नहीं समझते हैं जैसे पंची है ना चूचू चूचू करते रहते हैं अर्थ कुछ नहीं वैसे ये भी चूचू चूचू करते रहते हैं अर्थ कुछ भी नहीं है बाबर समझाते हैं कैसे ये सब है अनराइटस किसने अनराइटस बनाया इनको रावण ने बनाया बात सच खंड था तो सब सच बोल देते। चोरी ठगी आदि कुछ नहीं था यहां कितनी चोरी याद करते हैं दुनिया में तो ठगी ठगी है इसको कहा जाता है पाप की दुनिया माना दुख की दुनिया सत्य को कहा जाता है सुख की दुनिया यह विश्वस वैशाल्य विश्वस वैशाल्य है के वैशाल है।, है ये बाप कितना अच्छी समझाते हैं, एक एक बात सब कितना अच्छे समझाते हैं <coughs> नाम भी कितना अच्छा है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बापा है। है, का समझदार बनाते हैं कहते हैं समझदार किसको कहा जाता है बापा का ईश्वरी विश्वविद्यालय है बापा का समझदार बनाते हैं इन विकारों को जीतो तो तुम जगत जीत बनेंगे ये काम मान शत्रु है बच्चे बुलाते भी है इसलिए है कम को आगे गार्ड गार्डिस बनाओ बाप की मैं मां तुम ही जानते हो यथार्थ न मां बाप की तुम ही बच्चे जानते हो आसु संप्रदाय तो न बाप को जानते न बाप के मैं को जानते तुम जानते हो अभी और बाप की मैं मां सुन प्यार का सागर है बाप तुम बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते हैं यही तो उनका प्यार है भाई इतना मुख ऐसे इतना ज्ञान सुनाते हैं यही तो प्यार है चेहरे से बता दो बरबर इतना ही तो प्यार है है टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट क्या से क्या बन जाता है तुम तो बच्चों को भी बाप जैसा प्यारा का सागर बनना है प्यार से कोई को भी समझना है समझाना है बच्चों को भाई बाप जैसा प्यारा का सागर बनाता है टीचर पढ़ा के ऐसे बनाता है ना इसको भी प्यार से समझाना है बाप कहते हैं तुम एक दो के लिए भी प्यार रखो अटेंशन प्लीज नंबर वन प्यार है बाप का परिचय दो तुम गुप्त दान करते हो ना एक दो के लिए घृणा भी नहीं रहनी चाहिए नहीं तो तुमको भी डंडे खाने पड़ेंगे ये अंडरलाइन करना आज जो है ना कोई कैसा भी कुछ किया है नहीं तो तुमको डंडे खाने पड़ेंगे घर ना रखने वाले को लग गया कभी ऐसी मूल्य पड़ी तो होंगी रिवाइज कोर्स में पर लग रही किसको याद थी ये खैर चंद्रू याद था किसको भी याद नहीं किसी का तिरस्कार करेंगे तो डंडे खाएंगे आज बाबा कौन बैठा है धर्मराज बैठा है सत्य गुरुवार के दिन कभी भी किसे नफरत नहीं रखो तिरस्कार नहीं करो में आने से ही पतित बने हो बाप ही दे बनाते हैं तो तुम पावन बनते हो सबको ये समझाओ अब चौरासी का चक्कर पूरा हुआ है जो सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे चौरासी लेते, लेते उतरते हैं उतरते अबा का पट परे है जो सूर्यवंशी जी का चित्र रखो सामने सूर्यवंशी महाराजा महारानी जो थे उतरते उतरते आकर पट परे है अब बाप फिर से महाराजा महारानी बना रहे हैं तुम भी आकर बनो बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो तो पावन बन जाएंगे तुम बच्चों को रैम दिल बन सारा दिन अच्छा रैम दिल बन सारा दिन सब इसके ख्याल चलाने चाहिए बाप डायरेक्शन देते रहते हैं मीठे बच्चे रहम दिल बन जो बेचारी दुखी आत्माएं हैं उन दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ उन्हें पत्र लिखना चाहिए बहुत शार्ट में ये हमारी गायत्री अच्छी सेवा कर रही है मैं गायत्री को बहुत देर से प्यार करती हूँ इतना इतना कैसे पत्र व्यवहार करके आफरीन है उसको अच्छा हाँ। नाम हमारा लिखती है काम खुद करती है काम है नाम करके मेरा लिख देती है और काम वो करे हाँ। तो कह, लिखती है देखो तो ठीक है ओके ऐसे बाबा को हैंड्स मिले हैं हाँ। तो बाबा ऐसे हैं हर हरेक को अपनी अपनी भगवान के तरफ से कोई थोड़ा गुण था ना उसको गिफ्ट के रूप में मिल गया है वो काम करता है उन्हें पत्र लिखना चाहिए बहुत शार्ट में बाप कहते मुझे याद करो अवर से कोई जो होकर के गए हैं ना उनके अच्छे अच्छे अनुभव लिखत में आए हैं उनकी पीठ कर रही है जूलिया सुन रही है ना कहाँ बैठी जूलिया कहाँ है भाई इसको तो देखो सामने बैठना चाहिए ना ढूंढना पड़ता है इसलिए मैं सामने बैठती हूँ अभी भी बाबा के सामने बैठती हूँ बाबा को ढूंढना न पड़े मेरे को एक शिव बाबा की मैमा मनुष्यों को बाप के मैमा का पता नहीं है हिंदी में भी चिट्ठी लिख सकते हो सर्विस करने का भी बच्चों को हौसला होना चाहिए सर्विस करने का भी बच्चों को हौसला होना चाहिए बहुत है जो अपन को आप गात करने बैठ जाते हैं उन्हें भी तुम समझा सकते हो क्यों बेचारों को सुसाइड करने का ख्याल आते है बेचारे अंदर दुखी होते है उनको समझा अरे ये जीवघात महापाप है अब तुम बच्चों को श्रीमत देने वाला शिव बाबा है वह है श्री श्री शिव बाबा तुमको बनाते श्री लक्ष्मी और नारायण श्री श्री एक ही है अब कब वे कभी चक्कर में आते नहीं हैं बाकी तुमको श्री का टाइटल मिलता है वो चक्कर में नहीं आता है श्री पर तुमको श्री का श्री लक्ष्मी श्रीनारायण का टाइटल मिलता है आजकल तो सबको श्री का टाइटल देते रहते हैं कहाँ वह निर्विकारी कहाँ ये विकारी दिन का फर्क है बाप रोज समझाते रहते हैं अभी एक लास्ट सुनो रोज समझाते रहते हैं एक तो देई अबानी बनो सतगुरुवार का दिन है पक्का दही अब बनो और सब को पैगाम पहुंचाओ पैगंबर के बच्चे तुम भी पैगंबर हो का सदगति दाता एक ही है बाकी धर्म स्थापक को गुरु थोड़ी कहेंगे सदगति करने वाला सतगुरु एक ही है अच्छा मीठे मीठे पुलों से मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते कहा है मात पिता बाप दादा वाली वे कहाँ बैठी है पता नहीं कहाँ का, कहाँ बैठ जाते हैं अच्छा ओके धारणा के लिए मुख्य सार किससे भी घृणा व नफरत नहीं करनी है राम दिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है बाप सम्मान मास्टर प्यार का सागर बनना है दूसरा भगवान के हम बच्चे हैं। इसे खुशी और नशे में रहना है कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है दे बन करके ज्ञान की धारणा करनी है वरदान रूपी कवच द्वारा अच्छी सुनो निम्रता कवच है निम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे नहीं संयोगी भव कोई कितना भी आपके संगठन में अटेंशन प्लीज कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे ये सारे विषयों में हमारे बाबा के बच्चों को ध्यान रखना है कोई कमी ढूंढने की कोशिश करे लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर किसको दिखाई ना दे बड़ी अटेंशन ये एक रिकॉर्ड रहा है जगह में कभी किसी के साथ टक्कर किसको वाई नहीं है जो किसी को नोट होए दो तीन दिन टक्कर की बात चल रही है टक्कर में खाना या किसके टक्कर के इफेक्ट में भी आना तो दूसरे पूछेंगे कुछ हुआ है क्या कुछ हुआ है क्या हाँ हुआ है गई इजत जरा भी ये संगठन के शक्ति में किसी को टक्कर होगा ही नहीं तो दिखाई नहीं पड़ेगा होगा गई इज्जत अगर कोई गाली भी दे इंसल्ट भी करे आप सेंट बन जाओ कोई गाली भी दे इंसल्ट भी करे तुम सेंट बन जाओ सबकी शिकलना नहीं पड़ती देखेंगे ना हाँ। अगर कोई रंग भी करता है तो आप राइट रहो कोई टक्कर लेता है तो भी आप उन्हें से सिने का पानी दो यह क्यों ऐसा क्यों यह क्यों ऐसा क्यों कर संकल्प करके आग पे तेल डाल नहीं डालो टकर आग क्यों बोला ना तेल डाला निम्रता का कवच पहन करके रहो जहाँ फर्स्ट टाइम कवच ज्यादा है निम्रता कवच है क्या करता है निम्रता का कवच पहन करके रहो जहां निम्रता होंगी वहां स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। स्लोगन मेरे पन के अनेक हद की भावनाएं मेरे पन के अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समाय दो ओम शांति थैंक यू बाबा आगे हम कहते हैं मुली हमारे साथ रहे साथ रहे साथ रहे। हम हैं जो मुली अंदर है साथ मुली अंदर है, साथ चली गई चली गई ओम बाबा की याद में आप सभी का याद प्यार लेते हुए जब आज वतन में जाना हुआ बाबा ने आज वतन में हम सभी का बहुत बहुत विशाल रूप से स्वागत किया आप कहेंगे कि वो विशाल रूप क्या था स्वागत का बहुत सुंदर दृश्य था ऐसे तो वतन में कोई भी सीमा नहीं है कोई दरवाज़े खिड़कियां तो होती नहीं वतन में वहाँ तो लाइट ही लाइट होती है पर आज जैसे कि हम सभी आप सब एक एक जब वतन में पहुँच रहे थे तो आपका स्वागत एक विशेष एक द्वार से गुजर रहे थे आप सभी तो मैंने सोचा कि आज ये किस तरह का द्वार है तो वास्तव में वो द्वार नहीं था लेकिन जैसे कि बाबा की दोनों बुझाएं, ऐसे बाबा दोनों बुझाएं, दोनों हाथ ऐसे बाबा के और एक एक को बाबा जैसे बाँव में समाते हुए जैसे अप्रवेश कर रहे हैं न केवल इस तरह से था परंतु साथ साथ विशाल रूप से मतलब बाँव को फैला के परंतु उसके साथ साथ जैसे बाबा के अंदर हम लोग दिल में बहुत विशाल हृदय है बाबा का तो जैसे हम अंदर जा रहे हैं तो वतन में नहीं जा रहे हैं ऐसा लगता था जैसे अपने बाबा बाहों में समाते जा रहे हैं और सभी बच्चों को न केवल गले लगा रहे हैं परंतु दिल से भी बहुत ही जैसे अंदर ही हम बाबा के दिल में समाते जा रहे हैं तो आज आप सभी को भी ज़रूर अनुभव हुआ होगा कि बाबा बहुत बहुत हम सभी बच्चों के प्रेम में समाए हुए थे जितना हम सभी बाबा के प्रेम में समाए हुए थे उससे भी बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं यहाँ से गई तो यहाँ के वातावरण और वहाँ के वातावरण में तो वहाँ के वातावरण में स्नेह तो बहुत था ही बाबा कैसा स्वागत भी रहा लेकिन उसके साथ साथ खुशी का बहुत वातावरण था बहुत खुशी जैसे कोई बहुत सेलिब्रेशन चल रही है इस तरह की खुशी खुशी का बहुत वातावरण था तो फिर उसके बाद जब ये आप सबका भी स्वागत हुआ तो बाबा ने मेरी तरफ़ बाबा का ध्यान गया तो मैंने कहा बाबा मैं तो अपनी ड्यूटी पर आई हूँ आपके लिए सबकी तरफ से भोग लेकर के आई हूँ तो बाबा ने बहुत प्रेम से भोग को दृष्टि दी और बाबा ने भोग स्वीकार किया और ऐसे तो आज के दिन विशेष चंद्रमणि दादी जी के निमित्त और उसके अलावा भी अन्य कई कोई सेलिब्रेशन के लिए कोई किसी आत्मा के लिए कोई इस तरह से बहुतों का ही याद प्यार आज भोग के साथ था तो मैंने पहले पहले जैसे बाबा को हम सभी की तरफ से विशेष हम सभी ज्ञान सरोवर में रहते हैं और चंद्रमणि दादी ज्ञान सरोवर में ही सेवा पर उपस्थित थी तो मैंने सबकी याद प्यार बाबा को कहा कि चंद्रमणि दादी के प्रति है तो बाबा ने जैसे कि चंद्रमणि दादी का खड़ी हुई है ऐसा रूप इमर्ज किया और हाथ में फूल लिया हुआ है और वो उसी तरह का रूप था जो आप लोगों में से कईयों को शायद याद भी होगा कि जब वो मुरली के लिए आती थी स्टेज पर तो उनको फूल दिया जाता है जैसे जो भी मुरली पढ़ने आता है तो जैसे उन्होंने वो हमेशा बहुत अच्छे तरीके से फूल को पकड़ के खड़ी होती थी और हमेशा बहुत मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा रहता था तो बाबा ने आज वो उनका रूप वहाँ पर वतन में इमर्ज किया तो बाबा ने कहा कि ऐसे तो बच्चे कहेंगे कि बाबा वो तो कहीं है अपना पार्ट एडवांस पार्टी में बजा रही हैं लेकिन बाबा ने कहा कि जो जिस रूप का अपना जिस स्वरूप का और अपने गुणों का जो भी यादगार छोड़ के जाती हैं तो चाहे वो इस समय पर कोई भी पार्ट बजा रहे हों लेकिन आप लोगों के सामने वही स्वरूप और उसी प्रकार के गुण सामने आते हैं तो उनका कौन सा स्वरूप जो बिल्कुल हर्षित मुख और इस तरह से फूल पकड़ा हुआ ये स्वरूप बाबा ने दिखाया बाबा ने कही सभी के दिल में जैसे कि एक यादगार है दूसरा बाबा ने कहा कि एक अचल और अडोल स्थिति की वो मूर्ति थी तो अचल अडोल होने के कारण वो हर बात को न केवल मुस्कराते हुए लेकिन हंस करके उनको गुजार लेते थे एक तो सिर्फ़ मुस्कराना होता है लेकिन वो तो जैसे हंस के भाई ये तो कोई बात ही नहीं है जैसे कुछ है ही नहीं तो अचल अडोल भी थी और एकदम जैसे खुशी से हर्षित होकर के वो हर बात को ड्रामा के हर सीन को देखती थी तो बाबा ने जब हम सबकी याद प्यार उनको दी मैंने भी दी तो उस पर फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे किसी के भी निमित्त भोग लगाते हैं बेशक वो उनके स्वरूप और उनके गुणों का एक यादगार स्मृति में लाते हैं लेकिन बाबा ने कहा कि वास्तव में ये प्रेरणा लेने के लिए होता है कि संगम युग पर हम सभी भी अपने स्वरूप अपने गुण और अपने कर्तव्य का इतना अच्छा यादगार छोड़ें कि बाबा ने कहा वो यादगार जैसे कि नेक न केवल भक्ति मार्ग में पूजा जाता है परंतु बहुत बहुत आत्माओं को प्रेरणा देता है तो इस समय बाबा सभी बच्चों से यही आशा रखते हैं कि सभी बच्चे अपना स्वरूप और उस स्वरूप में ही गुण समाये रहते हैं परंतु उसके साथ साथ अपना कर्तव्य अपना हर कर्म ऐसा हो जो जिसका ध्यान जाए जो सोचे उसके बारे में उस स्वरूप के बारे में या कर्म के बारे में तो उसके जीवन में जैसे उसको एकदम प्रेरणा मिल जाए तो बाबा ने कहा वर्तमान समय पर आज के दिन विशेष बाबा बच्चों के प्रति ये याद सौगात भेजते हैं कि आप सभी भी स्वरूप और कर्तव्य दोनों ऐसा करो जो सामने आए उसको प्रेरणा मिले आपको कुछ कहना नहीं पड़े किसी को कहना नहीं पड़े कि खुश रहो मुस्कराओ हंसो लेकिन आप लोगों का चेहरा ऐसा हो आपका स्वरूप ऐसा हो जो देखे वो मुस्करा जाए जो देखे उसके मन में इतनी खुशी की लहर हो बाबा ने कहा इस समय न केवल वो यादगार बनेगा लेकिन बहुत बड़ी सेवा इस प्रकार से हो सकती है फिर उसके बाद मैंने बाबा को थोड़ा सा समाचार सुनाया कि वर्तमान समय पर हम सभी क्या कर रहे हैं ऐसे तो उस दिन सभी ने अपनी रिजल्ट जो ग्रुप्स थे वो बाबा को दे दी थी जो बाबा ने कहा था गुरुवार को कि मुझे देना लेकिन आज मैंने विशेष फिर से याद प्यार देते हुए ख़ासकर जो बाबा के यज्ञ में 20 वर्ष से ज़्यादा यहाँ पर अपनी गहराई में जाने के लिए अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए जैसे कि एक वो लक्ष्य लेकर के यहाँ पर आए हैं तो मैंने बाबा को बताया कि बाबा वो बहुत लगन से और बहुत तरह से अपना आपस में मना रहे हैं तो बाबा ने कहा कि देखो जब आप लोग कुछ भी विशेष करते हो तो बाबा का भी विशेष ध्यान ज़रूर जाता है तो बाबा ने कहा कि बाबा का न केवल ध्यान जाता है लेकिन बाबा उस समय पर बच्चों को विशेष वरदान भी देते हैं तो बाबा ने कहा कि पूछना भी इस वर्ष से ऊपर वालों से कि बाबा के कितने वरदान अनुभव कर रहे हैं किसने ये माला बनाई है कि मुझे कितने वरदान मिले हैं कोई बैठे हैं यहाँ पर बीस साल से ऊपर वाले बैठे हैं अच्छा माला बनाई है वरदानों की अगर नहीं बनाई है तो आज थोड़ा सा ये काम बाबा ने दिया है कि एक अच्छी रोजरी तैयार करो माला तैयार करो कि मुझे बाबा से कितने वरदान मिले हैं तो बाबा ने कहा कि बाबा तो वरदानों की माला बच्चों को पहना रहे हैं लेकिन बाबा ये चाहते हैं कि वो अपनी माला में देखे कि मुझे कितने वरदान मिले हुए हैं तो जैसे बाबा तो माला पहना रहे हैं वरदानों की परंतु आप सभी अपने पास ये लिस्ट तैयार करना या रोजरी बनाना माला बनाना कि मुझे जब से मैं बाबा के पास आया या आए तो मुझे आत्मा को कितने वरदान मिले हैं और कैसे मैं वरदानों से खुद भी पढ़ पल रही हूँ पल रहा हूँ आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी फिर बाबा ने कहा कि उन वरदानों के आधार से पालना देनी है क्योंकि जो बड़े होते हैं ना परिवार में उनको क्या करना होता है जो भी घर में बुजुर्ग होते हैं बड़े होते हैं उनको क्या होता है लोग सोचते हैं बस ये लोग आशीर्वाद दें ना तो आप लोग आशीर्वाद तो क्या देंगे लेकिन अपनी जो वरदानों की माला आपके पास है उसके फूल और वो माला अब आप लोगों का जो पार्ट है बीस साल से ऊपर वालों का खुद को वरदानों से भरपूर और दूसरा सदा खुश तो वरदानों से भरपूर और सदा खुश बाबा ने कहा ये दो तरह की सेवा अब आप लोगों को करनी है किसी आत्मा को देखो संस्कार है कमजोर है कुछ है अब वरदान दो उस आत्मा को और उस आत्मा को इतना उमंग उत्साह दिलाओ कि वो आत्मा जैसे कि न केवल हाई जंप दे लेकिन उसको ऐसे लगे मैं तो उड़ रही हूँ तो आज बाबा ने 20 वर्ष से ऊपर जो भी हैं उनके प्रति विशेष ये संदेश दिया उसके बाद तो और भी कई अन्य आत्माओं के निमित्त जो भोग था तो वो तो व्यक्तिगत सबको संदेश सुनाएंगे और फिर जब वापिस आना था तो बाबा ने कहा कि बेशक निमित्त बीस वर्ष वालों के लिए बाबा ये संदेश दे रहे हैं लेकिन आज बाबा हर बच्चे के लिए क्योंकि आप में से मेजॉरिटी तो चले जाएंगे और जब जाने का समय है जब आप आए थे तो क्या लक्ष्य लेके आए थे अब आपके जाने का समय है तो बाबा ने कहा वास्तव में दो बातें सदा याद रखना कि अपने को सदा भरपूर रखना भरपूर हो खजानों से भरपूर हो कभी भी बाबा ने का कोई भी खजाना कम होता है नहीं लेकिन आप लोग भूल जाते हो जैसे कई बार ऐसा होता है ना कोई वस्तु रखते हैं कुछ अपने पास होता है फिर हम भूल जाते हैं अचानक फिर याद आता है तो इसलिए सर्व खजाने बाबा से जो मिले हैं उसके सीमृति इस स्वरूप में बाबा ने का रहना ये यहाँ से बाबा की तरफ से गिफ्ट मिली हुई भी है और ये गिफ्ट लेकर के जाना कि मुझे सदा भरपूर आत्मा होकर के रहना है सारी दुनिया में हलचल होगी है नहीं है नहीं कम है क्या करें आप लोग इतने भरपूर दिखाई दो इतने भरपूर दिखाई दो कि दूसरे देखें वो समझे अरे संपन्नता का उनको अनुभव होने लगे तो इस बार विशेष मधुबन से जा रही हैं तो सभी लोग कुछ तो नया रूप लेके जाएंगे ना कुछ नई नया संकल्प लेके जाएंगे जो अपनी सेवा और पुरुषारथ उसी प्रकार का जैसे चले ना कि सेम कि वहाँ गए मधुबन से होके आए सिर्फ रिफ्रेश वे परंतु बाबा का ये वरदान विशेष सदा भरपूर रहने का बाबा ने कहा कि क्योंकि दुनिया में खजाने जो है ना सब तरह के खजाने हलचल में रहेंगे पर आप लोगों के खजाने देख कर के भरपूर देख के दूसरी आत्माओं को भी जैसे कि कि हमें भी इनकी तरह से भरपूर रहना है तो आप सभी एक एक के प्रति बाबा ने आज इस तरह का विशेष वरदान कहो लक्ष्य कहो गिफ्ट कहो देते हुए और फिर तो बाबा ने सभी के लिए बहुत बहुत आज प्रेम भरी खुशी भरी याद और प्यार दिया फिर मैं वतन से यहाँ पर वापस आ गई ओम शर्द